लगेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने जावा को ड्रिंकर्स पे शिफ्ट किया हुआ है, तो ये जितने ड्रिंकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी और उसके पीछे भी सारी जावा लगी हुई है हमारी, और नीचे भी जावा लगी हुई है। जी चाचा साहब, ये बताएं कि वाइट जावा की क्या प्राइस है? वाइट जावा की प्राइस हम चला रहे हैं 4,000 रुपये जोड़ा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, तो हम उसके क्लिप करते हैं और अच्छे से करते हैं। प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से एग्जीबिशन का साइज़ इतना बड़ा है कि जो ह्यूज साइज़ की फीमेल है अपनी नॉक खाने के लिए, जावा की प्रोग्रेस चल रही है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहांजीत जमशेद। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराई से आदाब और रिस्पेक्ट। हमारी टीम आप व्यूअर्स की खिदमत में पेश है एक सेटअप की वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड पर इस वक्त लबर्स मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम एक बार फिर से उसी प्लेस पर मौजूद हैं जहाँ पर हमने लबर्स के सेटअप को कवर किया था और आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करी थी। और यहाँ पे हमने आप लोग को तमाम के तमाम जो इनके लबर्ड्स के चिक्स आए थे वो शेयर किए थे। तो अब जो हजरात इंटरेस्टेड हैं लबर्ड परचेज करने में वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये जासूस साहब का सेटअप है। यहाँ पर हमने एक बात करी थी कि आप व्यूअर्स के दरमियान एक एक्साइटमेंट रखी हुई थी, तो आज उस एक्साइटमेंट को हम ख़त्म करते हैं और आप लोग को सरप्राइज़ देते हैं। जी हाँ, आज हम जासूस साहब के सेटअप के अंदर जावा पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जासूस साहब जावा की किस तरीके से केयर कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से ब्रीड ले रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलें, आप लोग को लेकर चलता हूँ सेटअप में। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर एक माशाल्लाह का उन्होंने वो भी लगाया हुआ बोर्ड। और ये सेटअप की एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर लबर्ड्स के सारे पेयर्स मौजूद हैं, ब्रीडर पेयर्स लाइन से केजेस लगे हुए हैं। इसी की नेक्स्ट साइड पे अगर हम आते हैं, पोर्शन में आते हैं, सेशन में आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड गेट है जिसमें राइट हैंड पर हमें जावा नज़र आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग जावा का आप लोग को एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर माशाल्लाह क्वांटिटी के अंदर पेयर्स हैं, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि पेयर्स के साथ साथ इनमें चिक्स भी मौजूद हैं, यानी इस वक्त ये प्रोग्रेस के अंदर है। और मैं देख रहा हूँ कि जासूस साहब जो हैं वो अपने बर्ड्स के पास आए हुए हैं, देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो आइए जासूस साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जासूस साहब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएंगे? अल्लाह का शुक्र। तो क्या देखभाल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, देख रहे थे आप बर्ड्स? बस देख रहे थे प्रोग्रेस क्या चल रही है बर्ड्स में, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन ऑन है। ठीक है जी, तो आज हम आपके जावा का सेटअप कवर करने के लिए आए थे, जो हमने व्यूअर्स के दरमियान एक एक्साइटमेंट और सरप्राइज़ रखा था। सही है, सही है, बिल्कुल। दिखाइए, ये सारी जावा लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि हमने जावा को ड्रिंकर्स पे शिफ्ट किया हुआ है, तो ये जितने ड्रिंकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी और उसके पीछे भी सारी जावा लगी हुई है हमारी, और नीचे भी जावा लगी हुई है, एक दो फ्लोर पे जावा लगी हुई है हमारी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से जावा मौजूद हैं, कितने कितने क्वांटिटी के अंदर है, टोटल कितने पेयर हैं ये बता दें व्यूअर्स को। मेरे पास अराउंड जावा के सब होंगे ग्रे जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा, फोन जावा को मिला के 450 पेयर होंगे, 450 और 60 पेयर होंगे मेरे पास। अच्छा, 460 या 450 पेयर आपके पास? बिल्कुल। जिसमें से चिक्स कितने आपके पास अभी आ गए? चिक्स आप देख सकते हैं कि हम फोस्टर भी कर रहे होते हैं, ये सब में आपको ऑलमोस्ट हर जगह आपको 4 बच्चे 5 बच्चे नज़र आएंगे। इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, सब जगह आपको बच्चे नज़र आएंगे। तो अभी बस ये जो पट्टे आप लोग देख रहे हैं ये इन्होंने फॉर सेल के लिए तैयार किए हैं। तो आइए जासूस साहब से मालूम करते हैं इनकी एजेस कितनी कितनी हैं और क्या प्राइजेज हैं। जी जासूस साहब, ये बताएँ कि आज कौन कौन से जावा के पट्टे फॉर सेल के लिए और कितनी क्वान्टिटी में भी बता दें हम। जावा के इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ग्रे जावा के पट्टे मौजूद हैं, वाइट के मौजूद हैं, सिल्वर के मौजूद हैं, फोन के मौजूद हैं, और इसमें वाइट पाइट के पट्टे भी मौजूद हैं, और सिल्वर पाइट में भी कुछ पट्टे मौजूद हैं, और कुछ पट्टे ओपल जावा के भी मौजूद हैं। ठीक है, दिखा देगा व्यूअर्स को, सारे आपको दिखाते हैं। आइए जी जासूस साहब, जावा के ये चिक्स हैं? जी, ये ग्रे जावा के पट्टे, और इनकी एज अराउंड 3 से 4 महीने की होगी, और ये इनकी जो प्राइस हम चला रहे हैं वो 3,500 रुपये पट्टे का पेयर चला रहे हैं। अच्छा जी, पट्टों का पेयर चला रहे हैं। तो अभी ये कितनी एज में बता रहे हैं? ये 3 से 4 महीने की एज के होंगे। ठीक है, और ब्रीड के लिए कितने टाइम में तैयार हो जाएंगे? ये नेक्स्ट सीज़न के शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाएंगे, तकरीबन 7-8 महीने का जब ये हो जाता है तो ये ब्रीड के काबिल हो जाता है। अच्छा, प्राइस बता देगा? 3,500 रुपये जोड़ा। ठीक है, और हमारा व्यूअर कोई क्वान्टिटी में लेता है तो? व्यूअर जो क्वांटिटी में लेगा तो उसके लिए प्राइस डिफरेंट हो जाएगी, और इंशाल्लाह, और आपके व्यूअर्स के लिए तो ज़ाहिर है डिस्काउंट देंगे जो हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल होगा। ठीक है जी। जी जासूस साहब, वाइट जावा के बारे में बताएं।
ये वाइट जावा है जी। जैसे साहब ये बताएं कि वाइट जावा की क्या प्राइस है। वाइट जावा की प्राइस हम चला रहे हैं 4000 रुपये जोड़ा, और इसी में आप देख सकते हैं कि कुछ पाइट वाइट पाइट भी हैं, उनके पट्टे हम चला रहे हैं 4500 रुपये जोड़ा। और ये पाइट का लोग बहुत शौक करते हैं, और ये बहुत रेयर होती है जेनेटिक्स की वजह से, तो ये भी आपको मिल जाएंगे, और 3-4 मंथ्स की एज होगी इनकी भी। अच्छा बताएं कितनी क्वांटिटी में वाइट वाला। वाइट आपको मिल जाएगी तकरीबन कोई 100-150 पीस मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो आप बता रहे हैं कि ये पाइट होगी, पाइट जो है ज़रा कम मिलती है, निकलती है, जेनेटिक्स इसकी वीक है, तो उसकी वजह से ये तकरीबन कोई 20-25 पीस होंगे बस जी। जा साहब ये सिल्वर जावा के पट्टे जी, ये आप सारे देख सकते हैं, ये सिल्वर जावा के पट्टे हैं, और इन्हीं के साथ में केजेस में सिल्वर पाइट के भी पट्टे लगे हुए हैं। सिल्वर जावा जो हम इस वक्त चला रहे हैं वो 4500 रुपये का पेयर चला रहे हैं पट्टों का, और जो इसके सिल्वर पाइट हैं वो 5000 रुपये के हिसाब से पट्टों का पेयर चला रहे हैं। अच्छा, इनकी एज कितनी है? इनकी एज भी वही 3-4 महीने होगी, और ये वही 7-8 महीने के जब होंगे तो ये ब्रीड का काबिल हो जाते हैं। ये बताएं कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास मौजूद है? ये तकरीबन मिल जाएंगे कोई 200 के करीब पीस होंगे, 200 पट्टे अवेलेबल होंगे जी। यासर साहब फोन जावा के पट्टे भी तैयार होगा आपके पास? जी, ये फोन जावा की आप ब्रीड देख सकते हैं, माशाल्लाह तैयार हुई हुई है, और ये हम चला रहे हैं 7000 रुपये पर पीस के हिसाब से। 7000 रुपये पर पीस के हिसाब से, 7000 रुपये पर पीस के हिसाब से चला रहे हैं। इनकी एज भी 3-4 महीने की है, और ये भी 7-8 महीने बाद ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, कोई पेयर लेता है, पेयर की क्या डिमांड है? पेयर की डिमांड 14000 रुपये, अगर कोई क्वांटिटी में लेगा तो ज़ाहिर है उससे कुछ नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे जो जावा है इनके बारे में बताएं, एक जावा मुझे साइज़ में बड़ा नज़र आ रहा है। हाँ, ये आपने सही नोट किया है, ये एग्जीबिशन साइज़ है, एग्जीबिशन जावा है ये। इसमें हमारे पास वाइट का मेल है ये, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो लोकल फ़ीमेल है ये हमारे पास सबसे अच्छे साइज़ में फ़ीमेल है, लेकिन उसके आगे भी ये मेल कितना ह्यूज है, और इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लेइंग आ गई है हमारे पास, फर्टाइल हो गए, और ये भी एक हमारी कामयाबी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड बर्ड है और इसको हमने ब्रीड करवा लिया अपने पास। अच्छा, तो साइज़ में बड़ा एग्जीबिशन जावा, वाइट जावा। एग्जीबिशन वाइट जावा। अच्छा, तो इसके अभी तक चिक्स नहीं आए? इसके अभी बस फर्टाइल हो गए हैं, इंशाल्लाह इसके भी पट्टे आ ही जाएंगे। यानी आप इस बर्ड के ऊपर अभी वर्किंग कर रहे हैं? इसके ऊपर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे हमारा इरादा यही है कि वाइट जावा के बाद इसको हम गोल्ड जावा में भी लेके जाएँ, फोन जावा में लेके जाएँ, और साइज अच्छी अच्छे से अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करें। आप क्या समझते हैं कि कितने टाइम के बाद ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे एग्जीबिशन जावा? अभी जैसे आप देख रहे हैं फोन जावा की अच्छी डिमांड चल रही है, सिल्वर की अच्छी डिमांड चल रही है, नेक्स्ट सीज़न या उसके बाद वाले सीज़न में ऐसे बर्ड्स लोगों को पता लगेंगे, और ये अल्लाह का शुक्र है हमारे पास हैं इस जैसे एग्जीबिशन साइज़ के 2-3 पेयर, और सब में लेइंग आ गई है। यानी इन फ्यूचर जो है एग्जीबिशन जावा भी नज़र आएंगे, फ्यूचर जो है एग्जीबिशन जावा लोग मांगेंगे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप लोग के दोनों जावा के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जासिर साहब ने वाइट जावा की सबसे ह्यूज साइज़ की, नॉर्मल में सबसे ह्यूज साइज़ की फ़ीमेल इन्होंने रखी है, तो देख सकते हैं कि एग्जीबिशन का साइज़ इतना बड़ा है कि जो ह्यूज साइज़ की फ़ीमेल है अपनी नॉर्मल क्वालिटी के अंदर वो भी छोटी लग रही है। तो देख सकते हैं दोनों जावा का डिफरेंस, और ये माशाल्लाह एग्जीबिशन जावा है जिसके ऊपर इस वक्त जासिर साहब वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद यानी नेक्स्ट सीज़न से अगले सीज़न के बाद उम्मीद है कि भी ये मार्केट में आ जाएंगे और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इनके ऊपर वर्किंग हो रही है और इनसे ब्रीड हासिल करने की भरपूर कोशिश हो रही है, ऐसे ही है जासिर साहब? बिल्कुल ऐसी सही कह रहे हैं जी। जासिर साहब हमारे व्यूअर्स ने और हमने आपका सेटअप देखा, माशाल्लाह चिक्स तो भरपूर है, मैं 460 चिक्स की ये बताएं कि आप जो आपके ब्रीडिंग पेयर हैं उनको क्या ऐसी डाइट, स्पेशल डाइट देते हैं जो वो ब्रीड पे भरपूर ब्रीड करते हैं और अच्छी प्रोग्रेस चल रही है? देखें, अभी जैसे सीज़न चल रहा है आप देख रहे होंगे कि माहौल हमने उसको बिल्कुल एटमोसफेयर से जो उसकी डिमांड है वो करा हुआ है। उसके अलावा हम डाइट बहुत अच्छी देते हैं, सारी चीज़ें अच्छी उसके अंदर डालते हैं, हम दाने में कोई भी कमी नहीं रखते। फिर उसके साथ साथ हम सॉफ्ट फूड चलाते हैं जिसको हम कह लें, उसमें अंडा होता है, पापे का चूरा होता है, ब्रेड का चूरा होता है, फिर वीटा फार्म का हम सॉफ्ट फूड चलाते हैं उसके साथ ही, और मल्टीविटामिन्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम चलाते हैं जिसके बाद बर्ड की प्रोग्रेस भी अच्छी होती है, और जो पट्टे निकलते हैं वो उनका साइज़, उनका सर्वाइवल रेट, वो ये सब चीज़ें उसमें हम कवर करते हैं, और जितनी अच्छी खुराक देंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो हम उस पर बिलीव करते हैं और अच्छे से अच्छा
कर। यानी आप अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ख़ास तरीके से केयर करते हैं और उनसे ब्रीड लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और आप देख सकते हैं हमने अपने बर्ड्स को ड्रिंकर्स पे भी स्विच किया हुआ है कि और इसके बारे में बताएं कि तो पानी एक जगह लगा हुआ है और ये, एक जगह आपने ये लोग कहते हैं कि भाई ये जावा को फिंचेस को जितना पानी देते हैं ये नहाती रहती है। बिल्कुल उसमें बात सही है, लेकिन वेदर को देखते हुए, हालांकि ये वेदर इतना इफ़ेक्ट नहीं करता जावा के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने एहतियात के तौर पे ना इनको ड्रिंकर्स लगाए हैं और वीक में 2 से 3 बार हम इनको पानी देते हैं नहाने के लिए, उसके अलावा हम नहीं देते। उसका एक फ़ायदा हमें ये भी होता है कि हमारे बर्ड रूम के अंदर, ये जो बर्ड हॉल है हमारा, इसके अंदर स्मेल नहीं होती, और ये स्मेल होती है तो बहुत ज़्यादा फिर कोई ना कोई बैक्टीरिया आपका बन जाता है। ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, इसलिए हमने इनको ड्रिंकर से स्विच किया हुआ। ठीक है। अच्छा जासूस साहब, ये भी बता दें कि जावा के अंदर कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ आती है जिसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए? जावा के अंदर ज़्यादा डिजीज़ नहीं आती, 1-2 डिजीज़ आती हैं, और ख़ास तौर से इसमें एक जो पाई जाती है, ये इनके जो लेग्स वगैरह होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसको आप आम जुबान में फालिज कह सकते हैं। फालिज आ जाता है इसके अंदर और एग बाइंडिंग आ जाती है उसके अंदर, तो हम उसके लिए भी वही सब मल्टी वाइटामिन वगैरह देते हैं जिससे उसके जिस्म के अंदर सारी कुवत जो है वो पूरी होती रहे कुवत, और हम उसके लिए यानी आप इनको सारे मिनरल और वाइटामिन प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी में किसी किस्म की कमी ना रहे। बिल्कुल। और बर्ड सेहतमंद रहे, सेहतमंद। और आपकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वाइटामिन मिनरल इनको प्रोवाइड किया जाए ताकि बीमार ना हो, सेहतमंद। हम सारे जो भी मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल करते हैं इम्पोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हम इसको एज अ बिज़नेस पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हम अच्छी से अच्छी खुराक देने की कोशिश करते हैं। ठीक है जासूस साहब, आज आपके सेटअप पे देखा हमने चिक्स। अच्छा ये भी बता दें मुझे कि ग्रे जावा की इस वक्त कितनी क्वांटिटी है? ग्रे जावा देखें इस वक्त तो आपके सामने पट्टे हैं, हर केज के अंदर हमने 20-20, 25-25 पट्टे छोड़े हुए हैं, तो और वो निकलते रहते हैं तो हम उसमें ऐड करते रहते हैं, तो अंदाजन मैं कह सकूँगा कि सारी जावा के अगर हम पट्टे कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 300-400 पट्टे होंगे। जी जासूस साहब, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-264-9594, और कराची से हूँ मैं, और बस कराची से ही कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बर्ड्स को बहुत प्यार से और बहुत ख्याल से रखा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स का भी उतना ही ख्याल करेंगे प्राइस में। बिल्कुल इंशाल्लाह, और ख़ास तौर से हम क्वांटिटी पे जो लेंगे उसका ज़्यादा ख्याल करेंगे, और क्योंकि हम यहाँ पे फार्म चला रहे हैं तो फार्म की देखभाल सब चीज़ें हमें मैटर करती हैं, और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे बर्ड भी देंगे। अच्छा जासूस साहब, आपने लोकेशन बता देगा? लोकेशन हमारी है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, और अगर मैं नियरेस्ट पॉइंट्स बताऊँ तो बशीर चौक है, सिंधी होटल है, और सपा सिनेमा है, और कुम्हारवाड़ा है, और ये काफ़ी सारी मशहूर जगहें हैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, ये सबसे फेमस है। चलो इंशाल्लाह अगर कोई विज़िट करने आना चाहेगा तो आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल, मेरा नंबर आपने भी उसको बता दिया है 0300-264-9594। जज़ाकअल्लाह जासूस साहब, ठीक, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो व्यूअर्स, ये एक शॉर्ट मुख्तसर सी छोटी वीडियो बनाई थी, ख़ासकर हमने यहाँ पे लेकर आए थे आपको जावा की ब्रीड दिखाने के लिए कि जावा की प्रोग्रेस चल रही है, और क्योंकि सेटअप के जो बर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि सेटअप के बर्ड्स हेल्दी होते हैं, उनकी खास तरीके से केयर की जाती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि सेटअप के बर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ, जिस तरीके से जासूस साहब इन बर्ड्स के ऊपर वर्किंग करें जावा के ऊपर और यहाँ से इनसे चिक्स हासिल कर रहे हैं। तो इस वक्त जावा जो है मार्केट के अंदर काफ़ी हॉट आइटम चल रहा है, तो इसी वजह से हमने कोशिश करी है कम से कम कीमत जो आपके साथ शेयर की जाए और अच्छी चीज़ शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आएगी, इसी के साथ साथ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।